पांच दिवसीय योग शिविर के आज तीसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में हम सभी बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ उपस्थित हैं। सबके भीतर वही भाव है जो भाव हम हमेशा परमात्मा के सामने मंदिरों में जाकर के, हम मूर्तियों के सामने जाकर के भाव प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, मेरे भीतर के सारे विकार निकल जाएं, सारे व्याधियां, सारे दुष्ट आचरण हमसे दूर हो जाएं और हम पवित्र होकर के, पावन होकर के इस जिंदगी का लाभ इसी जीवन में ले सकें। तो आइए, आंख बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, तीन बार लंबे गहरे सांसों के साथ प्रणव की आराधना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। तो आइए, पूर्ण शांत होने का भाव प्रकट करते हुए आप सभी दिव्यात्माओं को, मैं पूरे ग्रामवासियों को, मैं डॉक्टर ब्रिज महन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, नम्र वंदन करते हुए आप सभी को योग की गंगा में आइए लिए चलते हैं स्नान कराने के लिए। तो आज हम लोग सबसे पहले बैठ के करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर प्राणायाम का भी आनंद लेंगे हम लोग। तो आइए, दोनों पैरों को आप सीधा करके और दंडासन में बैठ जाइए। दोनों हथेली को आप कमर के पास रखिए, पैर सीधा रहेगा। अब दोनों हाथों को आप उठा करके आगे ले आइए और आपस में ग्रिप बनाइए, फंसा लीजिए आपस में, पकड़ लीजिए एक दूसरे को। अब सांस को भरिए और सांस को छोड़ते हुए ये हथेली को आप पैर के अंगूठे पर ले जा करके टिकाइए, इस प्रकार से रखिए, घुटना मत उठाइए, गठे होना टिकावा। अब सांस को भरते हुए आप बाएं से दाएं की तरफ पीछे की तरफ आएंगे, इसका नाम है चक्की आसन। फिर आगे जाइए, कर लो उधर जैसे चक्की चलाते हैं ना, उस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि केहुनी नहीं मोड़ना है और खेवना को नहीं उठाना है। जितना आगे जा सके जाइए, जितना पीछे आ सके आइए। जिनको गैस है, जिनको कब्ज है, जिनको पेट निकला हुआ है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको नस नाड़ियों में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। अब उल्टा करिए, दाएं से बाएं की तरफ। करिए,
जिनको गठिया है, जिनको साइटिका है, जिनको घुटना में दर्द है, यार मतलब इधर भी कर रहा दर्द है, अब रोक दीजिए, आप दोनों पैरों को खोल लीजिए। हाँ भैया कर खाली इसी से करेंगे। अब करेंगे स्थित कोणासन, हाथ को खोल लीजिए और सांस को भर के सांसों को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के ऊपर ले जाएंगे और बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा, गर्दन भी पीछे, और इसी अभ्यास को बार बार करेंगे इस प्रकार से। बिलाई करा तभी लाभ मिलेगा। करा अमन तेज करो, तेज करो। अभी सब याद करो, अब दोनों पैरों को आगे कर लीजिए और दाहिने पैर को आप मोड़ लीजिए, यहाँ सटाएंगे इसको और दोनों हाथ से आप पैर के उंगलियों को पकड़ करके सांस भर के छोड़ते हुए आप ललाट को घुटने में सटाने का प्रयास करेंगे। पहले धीरे धीरे करेंगे, दो बार तीन बार। इसका नाम है जानू सिरासन। तो आइए करिए ना, सब लोग करो। अरे कर बेटा ना, कर लो, करेगा तब ना होगा। अभी अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर दूसरे पैर का भी करेंगे। आनंद अब छोटा छोटा बच्चों से भी नहीं हो रहा है, ये सोचिए क्या होगा भविष्य इनका। सांस भरिए, सांसों को छोड़ते हुए आप ललाट को घुटने की तरफ ले आइए। केवनी को जमीन की तरफ ले जाएंगे इस प्रकार से। जिनको सैटिका की बीमारी है, जिनको घुटना में दर्द है, उनके लिए जबरदस्त अभ्यास है ये। अब आइए दोनों पैरों को मोड़ करके बैठ जाइए। चलो अब सीधे बैठ करके और हम लोग अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। ओम काट लीजिए, काट लें।